ऐसा क्रिसमस ट्री सजाना है कि ये लोग जितने भी बैठे हुए ना सामने सब देखते रह जाएं कि वाह इनका क्रिसमस ट्री क्या कितना बढ़िया सजा हुआ है। ठीक है, ऐसी डेकोरेट करो इसको एल्बर्ट, ऐसा सजाना है कि सब लोग देखते रह जाएं। ठीक है, ओके भाई, वो लोगों का तो क्रिसमस ट्री आ गया है तो अभी हमारे मम्मी पापा नहीं आए तो हम क्रिसमस ट्री कैसे बनाएंगे? जी भाई, हमारे मम्मी पापा गए हुए हैं मार्केट में तो वो लेके आएंगे, हम उनको बोलते हैं कि आप भी लेके आओ। लगता कोई दरवाजे में आया। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब। थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। तो आप उन भाइयों को भी बुला लें। जैमसी के पास साहब जी, तो खुदावंद में आप सबों की सलामती चाहता हूं। तो आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो है वो सीखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं हकीकी अंगूर का दरख्त हूं और तुम सब डालियां हो। तो जो फल है वो डालियां लाती हैं और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए फरमाते हैं कि मेरा फल तुझ में कायम रहे। तो वो रुके फल जो है हमारी जिंदगियों में अगर कायम रहेंगे तो हम जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह की अब आमद होगी तो हम उठकर खुदावंद यीशु मसीह का अच्छे से इस्तकबाल कर सकेंगे। अगर हमारे अंदर रूके फल ही कायम रहेंगे तो हमारे बदनों से खुदावंद का जलाल जाहिर होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम मेरा बदन हो ताकि तुम्हारे बदनों से मेरा जलाल जाहिर हो। तो आए हम देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से रूके फल क्या है जो हमारे बदनों से जाहिर होने चाहिए। तो है मेरे साथ मुकद्दस पलूस की मार्फत लिखी गई, मुकद्दस पलूस रसूल की मार्फत लिखा गया गलतियों के नाम खत, उसका बाप नंबर 5 और आयत नंबर 22। तो खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है कि जो रूह के फल हमारे बदनों में जाहिर होने चाहिए वो है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्बल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हलीमी और परहेजगारी। अगर ये सब चीज़ें हमारे बदन में कायम रहेंगी तो हम हकीकी खुदा के बेटे कहलाएंगे, हम खुदा के फरजंद कहलाएंगे। जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी बार आमदेसानी होगी तो हम उड़कर जो है अपने खुदावंद का इस्तकबाल कर सकेंगे। यह है कि क्रिसमस। तो हम देखेंगे कि स्तिश्ना बाप नंबर 16 और आयत नंबर 21 है। तो यहाँ पर यू लिखा है, जो मजबा तूने अपने खुदावंद खुदा के लिए बनाया उसके करीब किसी किस्म के दरख्त की रसीरत ना लगाना। क्योंकि हमारा कि क्रिसमस जो है वो है अपने आप को तैयार करना, अपने बदनों को तैयार करना ताकि हम अपने खुदावंद को पसंद आने वाले बने। ये हकीकी क्रिसमस है। हम ये नहीं कहते कि क्रिसमस ट्री जो है वो हमें नहीं सजाना चाहिए, ये भी सजाना चाहिए क्योंकि ये हमारी खुशी को जाहिर करता है। तो हमें जो है हकीकी खुदावंद यीशु मसीह के जो रूह के फल हैं उनमें कायम रहना बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।